नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त की बहुत ही दुखद खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के अंदर जो सेलाऊ गांव है, वहां से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि पानी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये जो घटना, बच्चा जो घायल है उसका उपचार बाड़मेर के जिला अस्पताल में चल रहा है और आप देखिए कि किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। दरअसल सेलाऊ गाँव जो रामसर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर कल अच्छी बारिश हुई थी और बारिश के बाद जो गाँव के तालाब हैं वो पानी से पूरी तरीके से भर चुके थे। तो आज रविवार होने के कारण जो बच्चे हैं वो पानी में खेलने के लिए गए थे और इस दरमियान गांव के 6-7 बच्चे एक साथ होकर तालाब में खेलने गए थे। जो छोटे बच्चे थे वो तालाब के किनारे थे और थोड़े जो 10-11 साल के तो बच्चे 4 बच्चे थे वो तालाब के भीतर चले गए और वहाँ पर तालाब के अंदर कीचड़ था और कीचड़ में डूबने से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बाड़मेर के जिला अस्पताल लाया गया है और उसका उपचार चल रहा है। मैं आपको जानकारी बता दूं कि शहीदुल्ला पुत्र मुराद खान उम्र 10 वर्ष, आसिफ पुत्र मौलाना हसन उम्र 11 वर्ष, सोहेल पुत्र सोबरान उम्र 12 वर्ष, ये तीनों की बच्चों की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा जावेद पुत्र सोबरान जो 10 साल का है, जिसका उपचार बाड़मेर के जिला अस्पताल में चल रहा है। वाकई में ये दुखद खबर है। ऐसे में हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरी अपील है कि अब बारिश का मौसम चल रहा है और जगह जगह पर पानी का भराव है, पानी के तालाब भरे हुए, तो अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि इस प्रकार की घटना जिले भर में और कहीं नहीं हो। गाँव के कुछ लोग हैं, इनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं पूरा क्या मामला है। भैया क्या नाम है और क्या पूरी घटना हुई थी? सर मेरा नाम निजाम खान है, हमारा गाँव सेलाऊ रामसर है जी। गांव में कल परसों बारिश हुई थी तो गांव में तालाब में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था, उसमें बीचों बीच पानी भराव ज़्यादा हो गया था, कीचड़ था तालाब के अंदर। तो आज स्कूल की छुट्टी थी, इतवार होने के नाते तो बच्चे सब गांव में खेलते खेलते गर्मी ज़्यादा होने के नाते तालाब के अंदर नहाने के लिए चले गए। तो 7 बच्चे थे, इसमें 4 बच्चे जो 10 साल के 11 साल के जो आगे चले गए पानी के बीच में। बीच में कीचड़ ज़्यादा होने की वजह से 4 बच्चे वहाँ पानी के अंदर फंस गए। तो छोटे बच्चे थे वो भागकर गांव आए, गांव में हम बैठे थे तो हमारे को बताया हमारे भाई पानी में फंस गए। तो हम पूरे गांव वाले भागकर उधर गए, वहाँ जाकर इन बच्चों को हमने निकाल कर हम घाघरिया CHC लाए। घाघरिया CHC में डॉक्टर साहब ने 3 बच्चों को तो मृत घोषित कर दिया और एक बच्चा जावेद नाम करके उसको हम बाड़मेर लेकर आए। अभी इसकी स्थिति अच्छी है, डॉक्टर साहब ने बताया बोला खतरे से खाली, आप टेंशन मत लो, कल हम आपको छुट्टी दे देंगे। ये बच्चे बता देंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खान जी है, उनके परिवार के हैं। एक तो सगा उनका पोता था, दो उनके परिवार के बच्चे थे, वो ख़त्म हो गए। ऐसी घटना हमारे गाँव में पूरे हमारे एरिया में पहली बार हमने सुनी है मेरी उम्र में। कितनी दुखद खबर है कि आप देखिए पानी का तालाब भरा था और उसमें बच्चे डूब गए और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, अपने आप में बहुत ही दुखद खबर है। बहुत ही दुखद, ज़्यादा दुखद बात है ये। देखो अब तो ऊपर वाले की मर्जी जो होगा। अच्छा, क्या पानी गांव का जो तालाब है वो गांव के किनारे है या कहाँ बना हुआ था? गांव से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बच्चे वहाँ खेलने चले गए थे? अकेले दिन में खेलते 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 गर्मी हो रही थी तो बच्चे चले गए पानी में अंदर। हमारे क्या है कि गाँव में रीतवा रहता छुट्टी रहती है स्कूल की तो बच्चे गांव में खेतों में खेलने चले जाते हैं, इस वजह से अच्छा हादसा हो गया। बिल्कुल, आप देखिए गांव के कुछ बुजुर्ग भी हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है अंकल? आप कहां से हो? सेलाऊ से ही हैं। तो कितनी दुखद खबर है कि एक परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। अच्छा, तो क्या आप बच्चों का ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की जो पानी का भराव होता है, तो बच्चों को थोड़ा छुट्टी थी रविवार की, बच्चे चले गए। बिल्कुल, आप देखिए बहुत ही दुखद खबर मैं इस वक्त की दिखा रहा हूँ। बाड़मेर के रामसर थाना क्षेत्र की ये घटना है और वहाँ पर पानी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चा घायल है। वाकई में दुखद खबर है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। तो ऐसे में हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें ताकि जो पानी का मौसम है और बारिश का मौसम है, जल भराव हर जगह हो सकता है, ऐसे में कोई ऐसी घटना नहीं हो। सभी लोग ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की दुखदाई खबर नहीं आए कि आप देखिए वाकई में दुखद खबर मैं इस वक्त बाड़मेर के सेलाऊ से दिखा रहा हूँ और अभी जो घायल बच्चा है उसका उपचार चल रहा है। वाकई में ये पूरी दुखद खबर बाड़मेर के रामसर क्षेत्र के सेलाऊ गांव से सामने आई है।